हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ बाजरे की खिचड़ी। तो यहाँ बाजरे की खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बाजरा कूट लिया। उसके बाद हम चूल्हे पे बनाएंगे, तो चूल्हा जला रहे हैं। जैसे ही चूल्हा जल जाएगा तो यहाँ भगोने में गर्म पानी कर लेंगे। यहाँ मैं पानी डाल रही हूँ भगोने में। फिर कूटी हुई खिचड़ी में यहाँ मूँग दाल हरी वाली और ये चने की दाल मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो ली थी। ये दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इनको अच्छे से प्रॉपर मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ी सा नमक डाल लेंगे। नमक स्वाद के हिसाब से डाल सकते हो। और इन सबको फिर गर्म वाले जो गर्म पानी हो रहा था उसमें डाल दूंगी मैं। धीरे धीरे ये फिर पकेगी, कम से कम ये 45 मिनट्स ले लेती है। यहाँ बन गई खिचड़ी तैयार है, ये देख सकते हो आप। मैं खिचड़ी को प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और खिचड़ी के ऊपर जब तक घी ना जाए तो टेस्ट नहीं आता। अच्छे से इसमें घी भर लूँगी मैं, ऊपर से गुड़ डाल लूँगी। ये राजस्थान का खाना है एक, और आज हम यही खाने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कितना शानदार लग रहा है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही डिश देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और लाइक तो करते ही जाइए, वीडियो शेयर ज़रूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।